डीआईजी जे रविंद्र गौड़ और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा की अध्यक्षता में तारामंडल स्थित प्रेक्षा गृह में बीट पुलिस अधिकारियों के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने बीट पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीट पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अधिकारी है तथा बीट ड्यूटी के दौरान संयम, धैर्य, निष्ठा, निष्पक्षता, सावधानी एवं सतर्कता के साथ कर्तव्य पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीट ड्यूटी के दौरान वृद्ध महिलाओं, बच्चों, असहाय व्यक्तियों की उचित सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा, संगोष्ठी के माध्यम से जनपद में बीट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा बीट पुलिसिंग के माध्यम से किसी भी थाना क्षेत्र में उपस्थित बीट पुलिस अधिकारी को उसके अपने क्षेत्र में निरोधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाता है। आपको ज्ञात हो कि बीट पुलिस अधिकारी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले निर्धारित जनसंख्या के छोटे से छोटे हिस्से में आने वाले किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस अवसर पर डीआईजी वाईएसएसपी ने बीट अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया तथा सभी बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया एवं उनमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, बीट व्यवस्था के अनुसार सभी बीट अधिकारी अपने बीट क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहकर वहां के संभ्रांत लोगों से नियमित संपर्क में रहेंगे तथा उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और गाँव के पंचायत भवन एवं प्राथमिक विद्यालयों पर संबंधित बीट पुलिस अधिकारी के नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित कराए गए हैं और साथ ही समस्त बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अपने नाम एवं मोबाइल नंबर का पैम्पलेट बनाकर चस्पा किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से जहां एक तरफ थानों की कार्यशैली में और सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ बीट पुलिस अधिकारी के लगातार अपने क्षेत्र में जाने से पुलिस एवं जनता के बीच समन्वय स्थापित होगा। उन्होंने कहा, बीट पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, एएसपी सीओ कैंट राहुल भाटी, सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कैंपियरगंज अजय कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा जगत राम कन्नौजिया सहित भारी संख्या में जनपद के बीट पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एएसपी सीओ कैंट राहुल भाटी ने कहा, उपस्थित इस सभागार में जितने भी उपस्थित बीट पुलिस अधिकारी हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके कर्तव्यों के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अधिकार के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है? ऐसे लोग हो तो हाथ खड़ा। किसी में असफल होंगे लेकिन प्रयास करते रहना हमारा कर्तव्य है। प्रतिदिन एक धारा पढ़े, एक रेगुलेशन कानून पढ़े, एक रजिस्टर पढ़े, एक आपराधी के बारे में जानकारी करें, ये नियम बना लें, ये चीज प्रतिदिन मैं सीखूंगा। कई बार अपने कार्य के दौरान ये महसूस करता हूं कि मैं समझ नहीं पाता आगे वाला चाह क्या रहा है। कई लोग आते हैं एक के बाद एक, ऐसा लगता है कि मतलब हम बैठी कर रहे हैं थाने या कार्यालय में और लगातार उन तक बॉल फेंके जा रहा है, कभी कोई गोली कर रहा है, कभी कोई ऑफ स्पिन कर रहा है। सीधा मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जो सर का 15 वर्षों से भी ज्यादा पुलिसिंग का अनुभव है उसका लाभ आपको मिलेगा। आज रविवार को 11 बजे प्रेक्षा गृह में नॉर्थ क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीपीओ की मीटिंग ली गई। उनमें बीपीओ कांस्टेबल के अलावा जो बीट पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं वो और सारे थाना अधिकारी प्लस शहर क्षेत्र के और नॉर्थ क्षेत्र के सारे सीओज, एसएसपी सर, एसपी सिटी सर और डीआईजी सर उसमें उपस्थित थे। डीआईजी सर की अध्यक्षता में बीपीओ की मीटिंग ली गई, जिसमें बीपीओ चाहे वो पुरुष बीपीओ या महिला बीपीओ दोनों को अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि उनको क्या करना है। अगर उनकी किसी जानकारी में कुछ कमी थी तो वो जानकारी भी उनको दी गई कि किस तरह से उनको वो जानकारी में उनको अपने इजाफा करना है और किस तरह से उस जानकारी की मदद से वो अच्छी पुलिसिंग और अच्छी कम्युनिटी पुलिसिंग जनता को और हमारे विभाग को दे सकते हैं। इसके अलावा एसएसपी सर ने पुलिस की जनता के प्रति अच्छे व्यवहार, अच्छी वर्दी,
इन सबकी भी उनको सीख दी, और जो पिछले एक डेढ़ महीने में अच्छे बीट पुलिस ऑफिसर थे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर, ये बीट पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट एडीजी साहब का है, तो सर इसके जो अच्छे रिजल्ट सर क्या निकले अब तक? इससे अच्छे रिजल्ट ये निकले हैं कि पहले जनरली क्या होता है कि कांस्टेबल्स की ड्यूटी उनको एडहॉक बेसिस पे ली जाती है, जैसे आज उनकी ड्यूटी लग गई लॉ एंड ऑर्डर में, आज उनकी ड्यूटी बैंक चेकिंग में लग गई, आज उनकी ड्यूटी इंस्पेक्टर के हमराही के रूप में लग गई, आज उनकी ड्यूटी पहरे के रूप में लग गई। तो इनका कोई एक फिक्स आइडेंटिटी नहीं थी कि ये फलाना कांस्टेबल इस थाने में ये पर्टिकुलर काम कर रहा है। अब उनको एक आइडेंटिटी मिली, जैसे एक शहर में मान लो एक शहर के किसी थाने में 25 बीट कांस्टेबल हैं, तो उन 25 बीट कांस्टेबल को एक आइडेंटिटी मिली, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड है कि ये फलाना इन तीन ग्राम सभाओं के या तीन मोहल्लों का एक बीपीओ अधिकारी है। तो उस बीपीओ अधिकारी के पास उस क्षेत्र के सारे संभ्रांत नागरिकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उनसे रेगुलरली जाके मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। इसके अलावा जो अपराधी हैं जो एक्टिव हैं, या चाहे फिर हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो पुराने हिस्ट्री शीटर हैं या नए हिस्ट्री शीटर हैं, उन पर निगरानी, उनकी बीट सूचना अपनी बीट बुक में आके अंकित करना, ये सभी चीज़ों से दो चीज़ें हो रही है। एक तो एक्टिव पुलिसिंग यानी कि जो अभी सक्रिय अपराधी है उस पर नज़र, और दूसरी जो जनता है उसमें थोड़ा कम्युनिटी पुलिसिंग का भाव उसमें लगेगा कि वो कांस्टेबल उनसे रेगुलर बेसिस पे जाके मिल रहा है। तो इससे ये थोड़ा जो पुलिस और जनता के बीच में जो गैप रहता है उसको पाटने का काम इससे होगा, और वो दिख रहा है जो डेटा है। प्लस इसमें एक और चीज नहीं ऐड की गई है कि जो बैरियर चेकिंग ऐप जो एसपीसी के सर द्वारा लॉन्च की गई थी, उसमें बीपीओस को भी यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दिया जाएगा, तो वो भी मान लो कहीं किसी अपराधी पर नजर रखने के लिए या किसी और उद्देश्य से अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और वो उससे डेटा फीड करके उसमें डाल सकते हैं, तो उसका रिजल्ट भी उसमें डेटाबेस में दिखेगा कि उन्होंने किन किन अपराधियों पर नजर रखी। तो एक डेटाबेस भी तैयार होगा और जो सक्रिय अपराधी हैं उन पर अंकुश भी लगाने का।